हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करूंगा सब एकदम बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज हम जो भी कर्ज माफी चल रहा है इसके अंदर दोस्तों दो टॉपिक पे बात करेंगे। एक तो डिफॉल्टर किसान के बारे में, और एक करेंगे जो सहकारी बैंक से जो भी लोन लिया हुआ है 10-20-50 हज़ार का, तो दोस्तों उसके बारे में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर दे, और जो सब्सक्राइबर के बगल में जो बेल का आइकन है उसको भी दोस्तों जरूर प्रेस कर दे, ताकि मैं जब भी नेक्स्ट वीडियो डालूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात आती है डिफॉल्टर किसान की, कि भाई मान लो आपने 1 लाख रुपये का कर्जा लिया है। डिफॉल्टर के बारे में हम बात कर रहे हैं दोस्तों, कि मान लो आपने 1 लाख रुपये का कर्जा लिया है और आपने उसको चुकाया नहीं, आपने उसकी किस्त नहीं भरी टाइम टू टाइम, जैसा भी आपने उसके बारे में कुछ भी नहीं किया, बस कर्जा ले ला के भूल गए। अब दोस्तों आपका ब्याज जो भी जुड़ के, ब्याज पेनल्टी जो भी सब कुछ जुड़ जुड़ा के आपका मान लो 2 लाख 2.5 लाख या फिर 3 लाख हो गया है। अब जो कर्जा माफ़ होगा आपका, वो जो आपने 1 लाख रुपये लिया था दोस्तों, वो माफ़ नहीं होगा। आपका जो ऊपर का जो ब्याज राशि है, जो पेनल्टी की रकम है, तो दोस्तों वही माफ़ की जाएगी, चाहे वो 1 लाख हो 2 लाख रुपये तक की वो माफ़ कर दी जाएगी। अब मान लो कि भाई आपने 1 लाख रुपये या फिर 50 हज़ार रुपये का आपने कर्जा ले लिया है, और आपका जो भी ब्याज जुड़ जुड़ा के साल 2 साल 3 साल जब भी है, अब वो 1.5 लाख रुपये या 1,20,000 रुपये हो गया है। अब जो आपकी मूल रकम है दोस्तों, वो माफ़ नहीं की जाएगी। जो आपका ऊपर के जो पैसे लग रहे हैं, जो 50,000 जो 20,000, वही रकम दोस्तों आपकी माफ़ की जाएगी। उन्हीं को दोस्तों डिफॉल्टर किसान के रूप में माना गया है, भाई जो भी अपडेट के अनुसार, जो खबरों के अनुसार है। तो दोस्तों भाई ये है। अब दूसरी बात आती है दोस्तों, आपने मान लो सहकारी बैंक से कोई भी भाई 50,000 या 40,000 रुपये का ऋण लिया है वसुंधरा जी के समय पर। अब दोस्तों वसुंधरा जी ने जो 50,000 रुपये माफ़ किए थे, मान लो आपका 70,000 रुपये का ऋण था और आपका 50,000 रुपये माफ़ हो गया, या फिर यूँ मान लो कि भाई आपके पास 30,000 रुपये का ही जो कर्जा था उस वक्त, और वसुंधरा जी ने 50,000 माफ़ किए थे, अब आपके पास तो 30,000 था, आपने 30,000 आपके माफ़ हो गए, अब बचे 20,000, और आपने वो माफ़ होने के बाद दोबारा लोन ले लिया, फिर दोबारा कर्जा ले लिया, तो दोस्तों अब आपके 20,000 रुपये ही माफ़ होंगे, या ना कि आपका पूरा कर्जा माफ़ होगा। अब दोस्तों मैं आपको एक एग्जांपल और बता देता हूँ, कि भाई मान लो कि आपने 1 लाख रुपये का कर्जा लिया था वसुंधरा के समय पर, आपका 50,000 रुपये माफ़ हो गया। अब जो 50,000 रुपये बचा है, तो दोस्तों वो आपका माफ़ नहीं होगा। भाई जो वसुंधरा जी ने माफ़ नहीं किया था जिन लोगों का कर्जा, उन सभी लोगों का दोस्तों 2 लाख रुपये तक का कर्जा माफ़ होगा वसुंधरा जी के समय वाले। ऐसा नहीं है कि भाई वो वाला भी आपको फ़ायदा मिल गया और ये वाला भी फ़ायदा मिलेगा, एक ही दोस्तों बेनिफिट मिलेगा आपको। या तो आपने वो बेनिफिट ले लिया हो, और या फिर वो नहीं लिया तो आपको दोस्तों इसका बेनिफिट का लाभ जरूर मिलेगा 2 लाख रुपये तक का। तो दोस्तों ये न्यूज़ मीडिया के अकॉर्डिंग, जो भी खबरों के अकॉर्डिंग जो भी अपडेट मिल रही है, हम आप तक दोस्तों ने कंटिन्यू अपडेट पहुँचा रहे। ऐसी अपडेट पाने के लिए दोस्तों वीडियो के साथ बने रहें। मैं उम्मीद करूँगा कि दोस्तों आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला ही होगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अपने सभी संबंधित रिश्तेदारों और फ्रेंड्स को इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, और मेरे नए मामलों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके दोस्तों, धन्यवाद। जय भारत।